हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और हम यहाँ पर क्लास 11 की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड टुडे वील रीड द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स. We'll discuss the title. Discovering means किसी चीज को ढूंढना, कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे ढूंढना या फिर सर्च करना. टुट क्या है? टुट एक नाम है. किसका नाम है? एक इजिप्शियन किंग था जिसका नाम था किंग टूटन खातेन, जिसने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था टूटन खामून. तो उसे शॉर्ट में किंग टुट कहा जाता था. तो यहां पर हम इस इजिप्शियन किंग टुट की कहानी पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है उसकी स्टोरी में कि उसकी डेथ के बाद जब उसकी मम्मी को प्रिजर्व किया गया था, जैसे हम सबको पता है ये एक वे है इजिप्शियन किंग्स और सारे रिच पीपल कि जब डेथ हो जाती थी तो उनकी डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता था एक प्रोसेस द्वारा और उसे प्रिजर्व किया जाता था. तो यहाँ पर भी किंग टुट की मम्मी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी. द सागा कॉन्टिन्यू. सागा इज अ स्टोरी. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि टुट की डेथ के बाद भी उसकी कहानी चलती रही थ्रू हिज मम्मी, क्योंकि उसकी मम्मी को एक्सप्लोर किया गया, उस पर रिसर्च की गई ये जानने के लिए कि टुट की डेथ क्यों हुई और कब हुई. तो इन दो सवालों के जवाब जानने के लिए उसकी डेथ के बाद भी उसकी मम्मी के ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई और इसलिए उसकी स्टोरी चलती रही. Now we begin reading the chapter. We'll discuss the difficult word meanings and I'll explain it to you. He was just a teenager when he died. Teenager means in his teens, that is 13 se 19 years ki age mein. So King Tut was very young when he died. He was just a teenager. Yani ki wo 13 se 19 saal ki umr ke beech mein the. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Heir is an inheritor or successor. Lineage में जो अब बच्चा होता है वो अपने parents का heir होता है क्योंकि वो उनकी सारी चीजें inherit करता है, उनकी assets और liabilities. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि King Tut Egypt की एक बहुत ही powerful family का heir था और उसकी family बहुत सालों से Egypt पर राज कर रही थी. जब वो मरा तो उसकी डेड बॉडी को ममीफाई किया गया और गोल्ड के साथ लद कर उसे दफना दिया गया और सब उसे भूल गए. अब इजिप्शियंस में ये ट्रेडिशन था, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. आफ्टर लाइफ मींस लाइफ आफ्टर डेथ. वो ये बिलीव करते थे कि हमारी सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और वो ये भी बिलीव करते थे कि अगर हम अपनी डेथ के टाइम पर अलग अलग चीजें इस डेड बॉडी के साथ रख देंगे तो वो चीजें उसके अगले जन्म में उसके काम आएंगी. तो जब भी कोई मरता था उसकी डेड बॉडी को ममीफाई करके प्रिजर्व करके दफना दिया जाता था और उसके साथ बहुत सारी डेली यूज की जो उनकी चीजें होती थी और साथ ही साथ एक्सपेंसिव चीजें, गोल्ड, ज्वेलरी, वो सब भी रख दिए जाते थे उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Tomb is an enclosure to bury the dead. जैसे कि हमने बहुत सारे tomb देखे हैं, ताजमहल भी एक tomb है वहाँ पर, जिसे हम हिंदी में मकबरा कहते हैं, जहाँ पर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र है. ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि King Tut की जो tomb है वो 1922 में discover की गई थी और तब से ही मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आज की जो दुनिया है वो स्पेक्युलेट कर रही है. स्पेक्युलेट मीन्स अंदाजा लगाना, टू फॉर्म अ थ्योरी विदाउट एविडेंस. आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं किस चीज के बारे में कि किंग टुट को क्या हुआ था, वो क्यों मरा था. और सबसे नंबर वन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि उसका मर्डर कर दिया गया था. नाउ Leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. CT scan क्या होता है? एक three dimensional scan होता है जिसमें आपकी body को एक machine में डाल दिया जाता है और वो machine में से हर
डायरेक्शन से एक्सरेज निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, आपकी एनाटॉमी, आपके सारे ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हैं। किंग टुट को मरे हुए बहुत सारे साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 80 इयर्स के बाद उसकी डेड बॉडी को उसकी टूम्ब में से निकाला गया। उसकी डेड बॉडी को निकाल कर उसे सीटी स्कैन किया गया ये जानने के लिए कि उसकी बॉडी का जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे पता लग जाए कि वो कैसे मरा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फारो। बॉयश मीन्स लड़के जैसा एंड फारो इज अ रूलर इन एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट में ओल्डन टाइम्स में रूलर यानी कि राजा को फारो कहा जाता था। फॉरेंसिक मीन्स दैट स्टडी ऑफ साइंस रिलेटेड टू अ क्राइम, एक क्राइम की जांच पड़ताल करनी, उसे ढूंढना, उसके कारणों को पता लगाना, उसे कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। एंड रिकंस्ट्रक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग, और यहां पर क्या रिक्रिएट करना है, किंग टुट का फेस। तो उसे सीटी स्कैन मशीन में क्यों डाला गया, उसकी डेथ का रीजन जानने के लिए, उसकी सारी बॉडी के फेस को कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो देखने में कैसा था। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। Stirred means to move or to cause to move slightly. Chal padna. Ghostly means eerie and unnatural or unreal. Daravna. Ek, jab suddenly tez hawa chalne lag jaye, to aise lagta hai ki koi cheez use chala rahi hai, wo ghostly feel hoti hai, kyunki wo unnatural lagti hai. Resting place here means the grave of King Tut. Egyptian cemetery. Cemetery is a large burial ground. Aur ancient Egypt ne सिमेट्री कैसी होती थी, वहां पे पिरामिड्स बने होते थे और हर एक पिरामिड में एक टूम्ब होता था यानी कि एक ग्रेव होती थी किसी किंग की। तो ये जो जगह है वैली ऑफ द किंग्स, ये एक बहुत ही बड़ी एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री है जहां पर सारे राजाओं की डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, उसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स। और हमारे बुक में ये मैप दिया गया है लोकेट करने के लिए कि वैली ऑफ द किंग्स कहाँ है। मैंने एक और इमेज आपके लिए सेलेक्ट की है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो इमेज है यहाँ पर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इजिप्ट कंट्री देख सकते हैं, ये है इजिप्ट का कैपिटल कैरो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द वैली ऑफ द किंग्स, यहाँ पर ही पिरामिड्स हैं जहां पर सारे राजाओं की कब्र है। तो अब यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि जब किंग टुट की डेड बॉडी को उनकी ग्रेव से निकाला गया था तब मौसम कैसा था, हल्की सी हवा चलने लग गई और ऐसे लग रहा था कि डस्ट में कोई डेविल्स और घोस्ट आ गए हैं, क्योंकि किंग टुट की ग्रेव को 80 साल के बाद उनके ब्यूरियल प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। डार्क बेलीड मीन्स डार्क इन कलर, स्कडेड अक्रॉस मीन्स टू मूव क्विकली, तेजी से आ जाना, व्हीलिंग मीन्स टू कवर, ढक देना, एंड कैस्केड ग्रे हियर मीन्स, कैस्केड रेफर्स टू द ग्रे क्लाउड्स विच वर लाइक ग्रे कलर्ड कैस्केड। कैस्केड क्या होती है, टोकरी। तो जो बादल है वो ग्रे रंग के थे और ऐसे लग रहे थे कि वो कोई बड़ी सी टोकरी है जिनमें स्टार्स को रखा गया है, क्योंकि इन बादलों ने स्टार्स को ढक दिया था, तो ऐसे लग रहा था कि स्टार्स को किसी ग्रे कलर की टोकरी में रख दिया गया है। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, that the stars are like jewels which are kept in a casket of the cloud. तो फिर से राइटर फर्दर वेदर को, उस एटमोसफेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक हल्की सी हवा चलने लग गई, ऐसे लग रहा था कि हवा में कोई भूत आ गया है, और काले काले से बादल आ गए और सारे के सारे जो तारे थे जो आसमान में चमक रहे थे jewels की तरह, वो सब इन बादलों में समा गए। It was 6 p.m. on 5 January 2005. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किंग टुट की डेड बॉडी को उनकी ग्रेव से कब और किस दिन निकाला गया था, 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here
to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Glided means a quite continuous motion. Glide karna. Probe here means to investigate or to find out, and lingering means long lasting. Bahut der se koi cheez jo chal rahi hai. To ab yahan par writer keh rahe hain ki world ki most famous mummy kaun hai? King Tut ki mummy. अब उसे जब सीटी स्कैनर में डाला गया तो उसका सिर पहले मशीन के अंदर गया, और यही प्रोसेस होता है जब भी किसी का सीटी स्कैन होता है, पहले उसका सिर मशीन के अंदर जाता है, बाकी की बॉडी धीरे धीरे आ जाती है. तो उसको सीटी स्कैनर में क्यों डाला गया? क्योंकि बहुत सालों से मेडिकल टीम, मेडिकल वर्ल्ड ये हैरान था, परेशान था, सोच में पड़ा हुआ था कि किंग टुट जो कि ऑलमोस्ट 3,300 साल पहले मरा था, वो क्यों मरा था, क्या रीजन था उसकी डेथ का. और इसी रीजन को जानने के लिए उसका प्रोब हो रहा था, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. डिसेंडेड मीन्स मूव्ड और गैदर्ड, नीचे की तरफ जाना, डिसेंड करना. क्रैम्प्ड मीन्स वेरी स्मॉल टू फिट इन टू, एक छोटी सी एरिया जिसपे बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो एरिया क्रैम्प हो जाएगा. रॉक कट मीन्स मेड इन अ रॉक बाय कटिंग इट, एक बड़े से पत्थर को काट कर उसमें कोई चीज बनाना. तो जिस दिन किंग टुट का सिटी स्कैन हुआ उस दिन दोपहर का क्या सीन था, बहुत सारे टूरिस्ट आए थे उनकी टूम को देखने के लिए. वो सब इस छोटे से पत्थर के कमरे में घुसे हुए थे जो कि धरती से 26 फीट नीचे बना हुआ था. तो अर्थ से 26 फीट अंडरग्राउंड इस पत्थर को काट के किंग टुट की टूम बनाई गई थी, और ये सब टूरिस्ट उसकी टूम पर रिस्पेक्ट्स पे करने आए थे और एक महान रूलर की टूम को देखने आए थे. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्यूरियल चेंबर एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिट. गेज मीन्स टू लुक इन सरप्राइज और इन एडमिरेशन, बड़े ही एडमायर करते हुए किसी चीज को देखना. म्यूरल्स आर द पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर अलग अलग मूर्तियां बनी होना, आर्टवर्क बना होना, उसे म्यूरल कहते हैं. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद अ थिन शीट और कोटिंग ऑफ गोल्ड, किसी चीज को सोने की परत से ढक देना, दैट इज गिल्डेड. स्ट्राइकिंग मीन्स प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर. अब जितने भी टूरिस्ट किंग टुट की टूम को देखने आते थे वो क्या क्या चीजें देखते थे? एक तो दीवारों पे जो आर्टवर्क बना हुआ था, म्यूरल्स बने हुए थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे. और किंग टुट की जो मम्मी शेप्ड कॉफिन था उसका जो लिड था, सबसे बाहर का जो ढक्कन था, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सोने का बना हुआ फेस था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये बहुत अट्रैक्टिव था और इसे देखकर सारे विजिटर्स बहुत हैरान होते थे, उसे बहुत देर तक घूरते रहते थे. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, विस्पर इज टू स्पीक इन अ लो वॉइस, हल्की आवाज में बोलना. कई विजिटर्स आपस में गाइड बुक्स पढ़ते थे जो नॉलेज देती थी किंग टुट के बारे में, और उन्हें पढ़ के आपस में डिस्कस करते थे. अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फारोस कर्स, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बड हिम, वाज रियली ट्रू. पॉन्डरिंग मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली. कई लोग तो गाइड बुक पढ़ के आपस में डिस्कशन करते थे, कई लोग चुपचाप सारी चीजों को देखते रहते थे, और ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं किंग टुट क्यों मर गया, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी डेथ का रीजन क्या था. या फिर हो सकता है कि वो लोग ये सोचते थे कि फारो का कर्स कहीं सच तो नहीं है, जो एंशियंट इजिप्शियन किंग्स थे उनका जो कर्स होता था कि अगर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो या तो वो मर जाएगा या उसे मिसफॉर्च्यून मिलेगी, उसको एक बुरी किस्मत मिलेगी, कहीं ऐसा कर्ज सही तो नहीं है. इसलिए वो चुपचाप वहां पर खड़े रहते थे कि कहीं किंग टुट डिस्टर्ब ना हो जाए और उन्हें उसका कर्ज ना लग जाए. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज
as he leaned over the body for a long first look. Ab Zahi Habas kaun hai? Egypt ke Supreme Council of Antiquities ka Secretary General. Jab usne King Tut ki mummy ko देखा तो उसने क्या कहा कि मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी है क्योंकि कार्टर ने उसके साथ 1920s में कुछ किया था. क्या किया था और कार्टर कौन है आइए देखते हैं. कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. फ्यूटाइल मीन्स पॉइंटलेस और इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग. फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट यूजलेस. आपका एफर्ट जब कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता तो आप उसे फ्यूटाइल एफर्ट कहते हैं. ये है कार्टर जिसका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर. ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था. इसी ने 1922 में टुट की टूम को डिस्कवर किया था. उसका सीटी स्कैन किया था और उसी प्रोसेस में टुट की मम्मी डैमेज हो गई थी और उसी डैमेज की बात ज़ही हवास ने की थी. आगे पढ़ते हैं. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. Hastily means swiftly, jaldbazi mein. Ransacked means raided, go through a place to steal or damage something. Kisi cheez ko shuffle kar dena, usko search karna kuch dhoondne ke liye. And antiquity means oldness, bahut purana hona. फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि किंग टुट की टूम के उनकी ग्रेव के जितने भी कंटेंट्स थे वो सब पूरे के पूरे वहीं पर थे. कुछ भी मिसिंग नहीं था. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लेजेंड. फारो अगेन मींस किंग टुट. किंग टुट की टूम में जितना भी सामान था वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का पार्ट है और वो उसकी लेजेंड यानी कि किंग टुट की कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. Resurrection means the restoration to life. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनकी मम्मी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के बने हुए आर्टिफैक्ट्स भी थे और उनकी ब्रिलियंस इटर्नल है यानी कि फॉरएवर है और ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो जाएंगे. इतने ज्यादा रियलिस्टिक है वो आर्टिफैक्ट्स के ऐसे लगता है दे आर एज क्लोज टू बीइंग रियल. और जब उन्हें डिस्कवर किया गया था उन्हें ढूंढा गया था तब एक सनसनी छा गई थी एक सेंसेशन छा गई थी और आज भी सब लोग उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो इतने एक्सेप्शनली बने हुए हैं. बट टुट वॉज ऑल्सो बरेड विद एवरी डे थिंग्स ही'ड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. Again, after life means life after death. जैसे कि मैंने आपको बताया था, Egyptians believed in life after death. और उनका ये मानना था कि हमें अगले जन्म में भी ये सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो अपनी dead bodies को सारे इस सामान के साथ बरी करते थे. तो टुट की डेड बॉडी के साथ गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स और बहुत ही प्रेशियस चीजें तो थी साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी थी जैसे कि बोर्ड गेम्स ब्रोंज का बना हुआ रेजर लिनन के बने हुए अंडरगार्मेंट्स फूड एंड वाइन. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फ्यूनरी ट्रेजर्स कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. Funerary treasures means the valuable things which the king was buried with. Funerary means funeral के साथ और treasures means खजाने. तो यहाँ पर writer क्या कह रहे हैं कि king Tut की dead body के साथ जो भी treasures बरी किए गए थे उन सबको ध्यान से record किया गया note किया गया और उनका जो coffin था वो कैसा था three nested coffin. इसका क्या मतलब है Three coffins placed one in another in order of decreasing size and the innermost coffin houses the body of the king. यहाँ पर इस इमेज को ध्यान से देखिए. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे एक कॉफिन पड़ा है सिमिलर और इससे थोड़ा छोटा कॉफिन है ये और एक और कॉफिन था जो कि इससे भी छोटा था जिसके अंदर किंग टुट की डेड बॉडी थी. तो उनकी डेड बॉडी कैसे रखी गई थी सबसे छोटे कॉफिन को नेक्स्ट बड़े वाले कॉफिन में डाल दिया गया था और फिर इस कॉफिन को इसमें डाल दिया गया था.
तो तीन कॉफिन्स एक के अंदर एक थे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, यानी कि बड़े में छोटा और उसमें छोटा, इसे कहते हैं थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। और सबसे छोटे कॉफिन के अंदर उनकी डेड बॉडी थी। तो पहले तो कार्टर ने उनके सारे फ्यूनरी ट्रेजर्स का रिकॉर्ड बनाया और फिर उनके इन कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल। श्राउड मीन्स एक ऐसा कपड़ा जिसे किसी को ढका जाए, और यहाँ पर किंग टुट की डेड बॉडी को ढका गया था। Adorned means decorated, सजा होना। Willow is a wreath of flowers and leaves, ऐसा circular सा एक wreath बनाया जाता है जिसके ऊपर अलग अलग फूल पत्तियां लगाई जाती हैं, और इसे किसी भी डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं wreath। तो जब कार्टर ने किंग टुट की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या देखा, वो एक कपड़े से ढकी हुई है और इन सब चीजों के साथ सजी हुई है। क्या क्या चीजें हैं? विलो और ऑलिव लीव्स के बने हुए मालाएं, सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, और ये सब चीजें मार्च और अप्रैल के महीने में पाई जाती हैं। और इसीलिए कार्टर ने कहा कि ये एक एविडेंस है, ये एक सबूत है कि किंग टुट का जो ब्यूरियल है वो इन मंथ्स में हुआ था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल। अगेन मम्मी क्या है? वो डेड बॉडी जिसे के प्रिजर्व करके बैंडेजेस में लपेट के रखा गया है। जब कार्टर किंग टुट की मम्मी तक पहुंचा तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। रिचुअल हेयर मीन्स अ सेरेमनी ऑफ ममीफिकेशन। ऐसी रेजिन्स, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि स्टिकी होते हैं और जिन्हें यूज किया जाता है डेड बॉडी को ममीफाई करने में। रेजिन इज अ स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एक ऐसा चिपचिपा सा सब्सटेंस जिसे आग भी लग सकती है और जो पानी में नहीं घुलता, वो है रेजिन। अब क्या ट्रबल आ गई थी कार्टर को? जब उसने किंग टुट की मम्मी को निकालने की कोशिश की तो उसने क्या देखा कि उसकी डेड बॉडी जिन रेजिन्स में लिपटी हुई थी वो सख्त हो गई थी, जिसकी वजह से किंग टुट की डेड बॉडी कॉफिन के, गोल्ड के बने हुए कॉफिन के साथ चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। लेजिटिमेट मींस रीजनेबल, नॉर्मल सा, जितना भी फोर्स लगाओ नॉर्मल सा, तो आप किंग टुट की डेड बॉडी को कॉफिन से अलग नहीं कर सकते थे। और कार्टर ने एंड में ये भी लिखा था कि अब हम क्या करते। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। राइटर कहते हैं कि इजिप्ट के सदर्न एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन होता है, और कार्टर ने भी इसी सन की मदद से इस रेजिन को लूज करने की कोशिश की, यानी कि उसने क्या किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट। ब्लेजिंग मींस वेरी हॉट। कार्टर ने क्या किया, उसने इस कॉफिन को धूप में रख दिया जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनशाइन थी और कॉफिन का टेम्परेचर 149 डिग्री फारेनहाइट का हो गया था। नथिंग बाइस्ट, बाइस्ट मींस मूव्ड, लेकिन फिर भी उनकी डेड बॉडी कॉफिन से अलग नहीं हुई। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Chiseled away means to cut something with a chisel. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक instrument है जिसे chisel कहते हैं, और जैसे ये लकड़ी को काट रहा है ऐसे ही chisel use करके Carter ने King Tut की dead body को coffin से अलग किया। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented means किसी चीज के गोल गोल घूम के guards को tackle करके gold को tomb से निकाल लेना। जब Carter को ये सफाई देनी पड़ी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने King Tut की dead body को coffin से remove करने के लिए chisel का इस्तेमाल क्यों किया, तो उसने क्या कहा अपने डिफेंस में, उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो
चोर जरूर ऐसा करते, और वो क्या करते, किंग टुट की डेड बॉडी को निकाल देते और उसके गोल्ड के बने हुए कॉफिन्स को चुरा लेते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. Writer कह रहे हैं कि King Tut के times में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा rich होते थे, और या तो वो ऐसा सोचते थे या वो ऐसी आशा करते थे कि वो अपने riches को भी अपने साथ ले जाएं. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets. Inlaid means a decorative pattern on a surface. Inlay work करना किसी भी surface के ऊपर decorative design बनाने को कहते हैं inlay work. Amulets means an ornament or a small piece of jewelry thought to give protection against evil, danger or disease, जिसे हम ताबीज भी कहते हैं. एक ऐसी चीज जो कि body पर पहनी जाती है like a jewelry, लेकिन वो आपकी protection करती है. फर्दर ये बताया जा रहा है कि किंग टुट की डेड बॉडी के ऊपर क्या क्या कुछ था. बहुत सारी ग्लिटरिंग गुड्स थी, कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. एप्रन इज अ प्रोटेक्टिव गार्मेंट वोन ओवर द फ्रंट ऑफ वन्स क्लोज एंड टाइड एट द बैक. यू कैन सी हियर, ये एक एप्रन है जो कि कपड़ों के ऊपर पहना जाता है. Sheath is a close-fitting cover, fitted sa cover जो कि body के ऊपर पहना जाता है. Iconic means something or someone who is a symbol of something. अगर कोई चीज एक group को represent करती है उसे iconic कहा जाता है. तो और क्या क्या चीजें थी King Tut के dead body के ऊपर? एक apron पहना हुआ था उन्होंने, sandals थे, एक close-fitting का cover था जो कि उनकी उंगलियों और पैरों के ऊपर था, और उनका इनर कॉफिन था जो कि अब एक आइकॉनिक चीज है क्योंकि वो बहुत अलग है. वो किंग टुट की एक सिंबल है. किंग टुट के बारे में अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले उनके कॉफिन्स के बारे में बात की जाती है क्योंकि वो बहुत अलग थे. और एक मास्क था जो कि उनकी कॉफिन के ऊपर था जो कि गोल्ड का बना हुआ था. सारी ये चीजें प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, ये बहुत अलग थी. और सबसे पहले अगर किंग टुट की बात की जाती है तो इन्हीं चीजों का रेफरेंस आता है. टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सिवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट. अडॉर्नमेंट्स मीन्स ऑर्नामेंट्स. तो जो सब चीजों के बारे में हम अभी पढ़ के चुके हैं वो उनके ऑर्नामेंट्स थे, और उनकी डेड बॉडी पर से इन ऑर्नामेंट्स को उतारने के लिए कार्टर की टीम ने क्या किया, उन्होंने किंग टुट की ममी के सिर को भी हटा दिया, काट दिया, और उनके सारी बॉडी के मेजर जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, उन्हें भी तोड़ दिया. सिवियर मींस काट देना. तो इसीलिए जाही हवास कहते हैं कि कार्टर ने किंग टुट की डेड बॉडी के साथ बहुत गलत काम किए क्योंकि उन्होंने उसे काफी डैमेज कर दिया. वंस दे हैड फिनिश्ड, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टू स्ट्रेस नाउ. अब उन्होंने क्या किया, सारे उसकी बॉडी के मेजर जॉइंट्स को अलग करने के बाद, उसके सिर को अलग करने के बाद सारे ऑर्नामेंट्स हटा दिए और सारी की सारी बॉडी को रीअसेंबल कर दिया. उसे एक वुडन बॉक्स में सैंड के ऊपर लिटा दिया, और आज के डेट में भी किंग टुट की डेड बॉडी वहीं पर रखी गई है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and mysteries of death. Intriguing means to arouse one's curiosity. ऐसी चीजें जो कि हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं, कुछ जानने की curiosity पैदा करती हैं. And intervening means in the middle of. यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस डेट के बीच में जब किंग टुट की डेड बॉडी डिस्कवर की गई थी और आज, इन दो टाइम्स के बीच में आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. अब ट्रेजर्स पर फोकस नहीं किया जाता, ये नहीं देखा जाता कि उस ममी के आसपास क्या क्या खजाना पड़ा है, लेकिन फोकस किस चीज पे किया जाता है, उनकी लाइफ पर और उनकी डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है.
It also uses more sophisticated tools including medical technology. अब जब आर्कियोलॉजी की जाती है, अलग अलग पास्ट की चीजों को डिस्कवर करके उनमें से फैक्ट्स को ढूंढा जाता है, तो जो मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, एडवांस्ड हो गई है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. Startling means something which is unexpected or surprising. 1968 mein, jab Carter ki discovery ko 40 saal ho gaye the, Carter ne Tut ki mummy ko discover kiya tha 1922 mein. तो उसके ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स के बाद 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी को, किंग टुट की मम्मी को एक्सरे किया और उसने क्या कहा कि किंग टुट की जो ब्रेस्ट बोन है और आगे की जो रिब्स हैं वो उसकी बॉडी में से मिसिंग है. तो ये जो चीजें हैं ये उस रेजिन के नीचे थी जहां पर उसकी चेस्ट उसके कॉफिन के साथ चिपकी हुई थी. टुडे Diagnostic imaging can be done with computed tomography, also called a CT scan or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. अब आज की डेट में CT scan बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गया है. CT scan क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था. इसका फुल फॉर्म है computed tomography. इसमें three-dimensional, तीन दिशाओं से आने वाली X-rays होती हैं जो कि बॉडी की पूरी इमेजिंग कर लेती है. जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में एक ब्रेड के लोफ को थिन स्लाइसेस में काटा जा रहा है, तो ऐसे ही ये थिन स्लाइसेस की जो ब्लेड्स हैं इस तरह से बहुत सारी एक्सरेज निकलती हैं सीटी स्कैन में से, जो कि हमारी बॉडी की एक थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट कर देती है. यानी कि इस कंप्यूटर में भी हमारी बॉडी जैसी ही एक वर्चुअल बॉडी की इमेज बन जाती है. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? Further writer कहते हैं कि जब CT scan हो गया तो उसके बाद कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं मिल सकता था. तो अब major task ये था कि CT scan की report से ये पता लगा जाए कि जब King Tut मरा तो वो कितने उम्र का था और वो कैसे मरा. King Tut's demise was a big event even by royal standards. अब जितने भी राजा महाराजा थे वो भी बहुत हैरान थे कि King Tut इतनी छोटी सी उम्र में मर गया. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. Death rattle here means the indication of the end of the dynasty. King Tut अपनी family का last king था और उसकी death के बाद उसकी dynasty end हो गई. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन आज भी ये नहीं पता कि वो क्यों मरा, उसके मरने का क्या कारण था. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost four decades at the height of the 18th dynasty's golden age. King Tut के father या फिर grandfather, ये नहीं पता कि Amenhotep III उनके father थे या grandfather थे, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल किंग थे. उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक इजिप्ट पर रूल किया था इन द 18th, जिसे कि गोल्डन एज कहा जाता है. हिज सन Amenhotep IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. Amenhotep IV उनके बेटे थे, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया और उनका जो रूल था वो पीरियड एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री का सबसे अजीब पीरियड माना जाता है. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. तो अब ये जो नए किंग थे Amenhotep IV, इन्होंने क्या किया, ये एटन की वर्शिप करते थे यानी कि सन डिस्क की वर्शिप करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल के Akhenaten रख लिया जिसका मीनिंग था सर्वेंट ऑफ द एटन. और उन्होंने अपने कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया, पुराना कैपिटल था थीब्स और यहां से उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके अमरना कर दिया.
He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. तो किंग एमिनहोटेप 4 अमुन के अगेंस्ट थे इसलिए उन्होंने इस भगवान के सारे इमेजेस और टेंपल्स को बंद कर दिया उन्हें खत्म कर दिया इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लक्सर द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर रे जॉनसन ये कहते हैं कि जब एमिनहोटेप 4 ने ये सब किया तो ये एक बहुत ही हॉरिबल टाइम रहा होगा और उन्होंने लक्सर नाम के शहर में जो कि एंशिएंट थीब्स के पास ही है वहां पर एक रिसर्च सेंटर भी खोला इन्हीं सब चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी वैकी मींस बिहेविंग इन एन ऑड वे अब अखेनाटन अजीब से बिहेव करने लग गए उन्होंने क्या किया After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. अब Akhenaten यानि कि Amenhotep 4 की death के बाद एक बहुत ही mysterious ruler आया जिसका नाम था Smenkhkare. थोड़ी देर के लिए उन्होंने वहाँ पर राज किया और फिर वो गायब हो गए. और किसी को ये नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ चले गए तो अचानक से एक नया रूलर आया उसने थोड़ी देर राज किया और फिर वो गायब हो गया तो ये सब बहुत मिस्टीरियस था एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटेन टुक द थ्रोन किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे उसके बाद किंग टुट वहां का राजा बन गया द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामून दैट इज लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज किंग टुट ने अपना नाम बदल के टूटन खामून कर लिया जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून और उसने कोशिश की कि पुराने टाइप के राज को वापस से शुरू किया जाए ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली किंग टुट का जो राज है वो कितनी देर चला था 9 years और उसके बाद अचानक से वो मर गए रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट टुट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट इजिप्ट में बहुत सारी ममीज पाई जाती हैं और उनमें से एक है किंग टुट की हाउ मेनी नो वन नोज द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग अब इजिप्ट में कितनी ममीज है ये नहीं पता इजिप्ट में इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसने 2003 में सारी ममीज की इन्वेंट्री यानी कि लिस्ट बनानी शुरू की और उन्होंने टोटल 600 ममीज की लिस्ट बनाई और अभी भी वो और ममीज ढूंढ रहे हैं और लिस्ट बननी जारी है इसलिए अभी तक ये नहीं कह सकते कि टोटल ममीज का नंबर कितना है द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर अब नेक्स्ट फेज क्या था ममीज की स्कैनिंग तो इजिप्शियन ममी सोसाइटी को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस जिसने ये सीटी स्कैन मशीन बनाई थी उन्होंने एक सीटी स्कैन मशीन डोनेट की जिसमें कि सारी ममीज को स्कैन किया जा रहा था किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन किंग टुट की ममी वन ऑफ द फर्स्ट ममीज है जिसे स्कैन किया गया था तो राइटर ये कहते हैं कि जैसे वो जिंदा होते हुए भी अपने कंट्रीमैन से आगे था ऐसे ही डेथ में भी वो सारी ममी से भी आगे था क्योंकि उसकी ममी वन ऑफ द फर्स्ट ममी थी जिसे स्कैन किया गया था अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन अब ये जो सीटी मशीन थी इसने हेड से लेकर सिर से लेकर पैर तक इस ममी की 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on eerie detail in the resulting image. Eerie detail means the strange image of Tut's head as visible with the help of a CT scan. A bahut hi fine scanning ki madad se uski jo body hai use 0.62 mm ke slices mein yani ke 0.62 mm ke डिस्टेंसेस पर उसकी इमेजेस लेकर उसका स्कैन है जो वो तैयार किया गया और जो रिजल्टिंग इमेजेस थी वो देखने में बहुत ही अजीब थी क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसने कवर की थी
With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. Ab isi tarah se King Tut ki puri body ke CT scan images liye gaye. Aur ek team aayi jisme specialists the radiology se, forensics se aur anatomy se. Radiology yani ki wo log jo ki x-ray study karte hain, फॉरेंसिक्स यानी कि वो टीम जो कि किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और एनाटॉमी है वो टीम जो कि बॉडी के सारे पार्ट्स को ह्यूमन बॉडी की सारी स्ट्रक्चर को स्टडी करती है. तो ये टीम ने मिलकर इन सारी इमेजेस को स्टडी किया और वो राज ढूंढने की कोशिश की जिसे कि इतने सालों से ये विंग्ड गॉडेस प्रोटेक्ट कर रही थी. ये विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन ये कौन है? ये है ऑसिरिस. ऑसिरिस कौन है? ये गॉडेस है, इजिप्शियन गॉडेस, गॉडेस ऑफ द डेड, गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ. और यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये क्या है? किंग टुट की इमेज है इस गॉडेस ऑसिरिस के साथ. और इस इमेज का म्यूरल उनकी टूम्ब के वॉल पर भी बना हुआ. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनकी डेथ के राज को ये गॉडेस इतने सालों से छुपा के रख रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी और इसी राज को ढूंढने के लिए ये पूरी टीम आज वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टुट फ्रॉम द टूम्ब इन हिज बॉक्स. अब स्कैन की रात पे सारे वर्कमैन आए, उन्होंने टुट की बॉडी को उसके टूम्ब से निकाला. लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट into the trailer that held the scanner. Pall bearers कौन होते हैं? Persons who help to escort a coffin at a funeral. वो लोग जो कि funeral के time dead body को कंधा देते हैं, they are called pall bearers. Swirling means spinning or twisting, गोल गोल घूमना. Hydraulic lift is a lift that uses a machine to lift or move heavy objects with a pressure. ये जो lift है, इस तरह की machine जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकती है. तो अब किंग टुट की बॉडी को सीटी स्कैन में ले जाया कैसे गया? लोग आए, उन्होंने उनकी डेड बॉडी को ऐसे पॉल पर रखा और उसे अपने कंधा पर रखकर एक रैंप पर चढ़कर, स्टेयर्स चढ़कर बाहर जो हवा चल रही थी उस मौसम में लेकर आए. तो उनकी जो टूम थी वो अंडरग्राउंड थी, 26 feet अंडर द ग्राउंड. तो वहां से वो लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर बाहर ऊपर जमीन पर आए, वहां पर हवा चल रही थी. फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर खड़े हो गए, उस लिफ्ट ने उन्हें रेज कर दिया ऊपर. और ऊपर जब वो रेज हो गए तो वो एक ट्रेलर में घुस गए जहां पर स्कैनर था. 20 minutes लेटर टू मैन इमर्ज्ड, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. 2 मिनट के बाद उस ट्रेलर में से दो आदमी आए, बहुत तेजी से भागते हुए वो एक ऑफिस में गए और व्हाइट कलर के प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आए. अब इन पंखों से उन्होंने क्या करना था? द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कर्स ऑफ द फारो, जोक्ड द गार्ड नर्वसली. अब ये जो स्कैनर है ये काम करना बंद हो गया था क्योंकि उसके कूलर के पंखे में मिट्टी घुस गई थी. इसलिए ये लोग पंखे लेकर आए थे इस स्कैनर की मशीन को कूल करने के लिए. और वहां पर जो गार्ड खड़ा हुआ था उसने हंसते हुए कहा कि लगता है ये फारो उन्हें कर्स कर रहा है, यानी कि इस फारो की डेड बॉडी को तंग किया जा रहा है, उसे उसकी कब्र से निकाला जा रहा है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो उसने इन सबको कर्स कर दिया है, श्रापित कर दिया है, इस मशीन को भी कर्स कर दिया है और इसलिए मशीन खराब हो गई है. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो finally ये जो दूसरे fans थे substitute यानी के मशीन के जो खुद के fans थे वो तो चलना बंद हो गए थे. तो वो लोग जो ऑफिस से व्हाइट कलर के पंखे लाए थे उन्होंने काम किया और प्रोसीजर फिनिश हो गया. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. तो जिस तरह से ये लोग टूम से टुट को लेकर आए थे वैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इमेजेस लेने के बाद उसकी डेड बॉडी को वापस टूम में ले गए. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो. तो 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और
जहां पर फ्यूनररी प्रीस्ट ने किंग टूट की डेड बॉडी को दफनाया था इतने साल पहले, वहीं पर एक बार फिर से उसको रख दिया गया. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A final ECT scan ने जितनी भी images ली थी King Tut की, उन सब को इकट्ठा करके एक technician ने उन्हें computer screen पर present किया. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. Now what is a pixel? हम सबको पता है, a smallest point. कोई भी इमेज में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें जोड़कर इमेज बनाई जाती है उसे पिक्सल कहते हैं. तो अब जब इमेजेस के पिक्सल्स को जोड़ा गया तो एक ग्रे कलर का सिर बन गया, और फिर टेक्नीशियन ने उस सिर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया और उसे टिल्ट किया. जैसे कि जो इमेजेस थी ये थ्री डायमेंशनल इमेजेस थी, तो वो उन्हें घुमा फिरा के हर एंगल से उसके सिर को, उसकी शेप को देख सकते थे. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Vertebrae means a series of small bones which form the backbone. हमारी backbone में बहुत ही छोटे छोटे bone के टुकड़े होते हैं, उन्हें vertebrae कहा जाता है. तो यहाँ पर writer कह रहे हैं कि King Tut की neck के जो bone के pieces थे वो बहुत ही ज़्यादा clearly दिखाई दे रहे थे, जैसे कि anatomy class में students किसी dead body की bone के pieces को देखते हैं. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull, but for now the pressure was off. तो उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की बहुत सारी इमेजेस ली गई, जैसे कि उसके हाथ की, उसके रिब केज की, स्कल की, और ये सारी इमेजेस कलेक्ट कर ली गई. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, ज़ही हवा स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अब ज़ही हवास रिलैक्स थे और वो आराम से अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ भी ज्यादा गलत नहीं हुआ था जब किंग टुट की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सोया नहीं क्योंकि मैं चिंता में था, और अब जबकि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है मैं जाकर सो जाऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब जब फाइनली सारे इन्वेस्टिगेटर्स नीचे आ गए, वहां से बाहर आ गए, तो हवा भी रुक गई. जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तब एक अजीब सी हवा चल पड़ी थी, और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो हवा भी चलनी बंद हो गई. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. तो ये है वैली ऑफ द किंग्स, जिसे कि वैली ऑफ द डिपार्टेड भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे राजाओं की टूम्स हैं. तो राइटर कहते हैं कि विंटर की जो एयर है, सर्दियों की जो हवा है, वो वहां पर थी. वहां पे एक ठंडी सी हवा का एहसास था, और ऐसे लग रहा था कि पूरी हवा में ही डेथ की फील है. इतनी कोल्डनेस थी और इतना साइलेंस था, इतनी स्टिल थी वहां की हवा, तो पूरा एटमॉस्फेयर में डेथ वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा राइटर कहते हैं. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Orion क्या है? ये constellation है, एक तारों का समूह है, और इस constellation को ancient Egyptians क्या मानते हैं कि ये Osiris का soul है, afterlife की goddess का soul है. तो यहाँ पर writer क्या कह रहे हैं कि किंग टुट की टूम के बिल्कुल ऊपर आसमान में ओरियन कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलती है, जो कि एंशियंट इजिप्शियंस के अकॉर्डिंग ओसिरिस गॉडेस का सोल है, उनकी आफ्टर लाइफ की गॉडेस का सोल है, जो कि किंग टुट की टूम को प्रोटेक्ट करती है, और इस बॉय किंग, इस छोटे से किंग को, जो कि एक लड़का था जब वो किंग बना, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका ध्यान रखती है. With this, we come to an end of this chapter. It was a very interesting chapter where we came to know about the Egyptian king, King Tut. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe to our channel, English Academy.